वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं। बनाने से पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाकर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। देन हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं पुराने लाहौर की आन मान और शान दिल्ली गेट वाली साइड पे बिकने वाली सबसे ज़्यादा डिश नली निहारी। और आप लोग अपने घर में भी बना सकते हैं, आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इस खौफ और डर से कि आप लोगों को बाहर गधा घोड़ा खाने को मिलेगा, तो आप लोग घर पर बनाएं। यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल का लिया और तकरीबन 1 से 2 प्याज हमने लिए और उसको सौटे कर लिया। साड़ना आपने नहीं है प्याज़ों को, सिर्फ सोटे करना है, ठीक है। ये ना हो आप जला लें प्याज़ों को और बाद में आप लोग मुझे बुरा भला कह रहे हो। यहाँ पे आप लोगों ने मटन ऐड कर देना है, तकरीबन 1.5 kg के करीब मटन था और हमने इसको ऐड करके सोटे करना है। हाफ बॉन वाला और हाफ जो था वो हमने बॉनलेस जो था वो मिक्स ले लिया, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसमें नलियाँ जाएंगी, ठीक है। बैकग्राउंड के शोर को आप लोगों ने इग्नोर करना है क्योंकि हम भी इस दुनिया में रहते हैं और आवाज़ें और शोर हर जगह पे होता है। यहाँ पे हमने कुछ नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और साथ में सूखा धनिया ऐड किया और साथ ही साथ हमने कुछ जायफल, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें जो थी हैं थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल आप कह लें क्वार्टर टीस्पून हमने ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। यहाँ पे नमक भी है 1 चम्मच ऐड कर दिया था और बस इसको अच्छे से भूना है, कुछ नहीं इसमें करना आप लोगों ने मज़ीद ऐड। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे पास अजवाइन थी क्योंकि छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, कोई भी है, चिकन भी है, बंदो है, आप लोग इसमें अजवाइन और कलौंजी का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहता है और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। खैर, यहाँ पे हमने नेशनल का जो था वो निहारी मसाला, आपके पास किसी का भी मसाला है आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नेशनल का निहारी मसाला ऐड किया है क्योंकि मेरे पास होममेड में नहीं था और इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं थे, इसलिए मैंने क्विक ज़रा रेसिपी अपनाई और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। 2-3 चम्मच वो ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भूनेंगे अच्छे से। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी और लस्सी, थोड़ा सा बॉयल हुआ और मैंने इसको लगा दिया प्रेशर। अब प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर हमने साइड पे आटे को भूना है। तकरीबन 1 कप के करीब आटा हमने लिया, उसको भून के अच्छे से, जलाना नहीं है, आप लोग ये देख सकते हैं आटा मैंने कितना अच्छे से इसको गोल्डन गोल्डन सा भूना है। और मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी। पानी ऐड करने के बाद इसका हम बना लेंगे लेप, अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स बाकी ना रहे। एवी लम्स बाकी रह गए तो बाद में आप लोगों को ये कि प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर देना है, तकरीबन मैंने हाफ पहले ऐड किया और हाफ थोड़ी देर बाद, अभी मैंने हाफ ऐड किया, आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है आप उतना ज़्यादा आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई गेस 1 कप जो है वो बहुत होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो पक रही है, यहाँ पे मुझे थोड़ा, मैंने कहा इसको पका लें और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, वही सेम पानी पहले हाफ ऐड किया था, हाफ और ऐड करने के बाद हमने इसको पकाया और बस ये बहुत मज़े की, आपको पुराना लाहौर, आपको नया लाहौर, आपको हर चीज़ भूल जाएगी इस नहारी के बनाने और खाने के बाद। जिसको खिलाएंगे और जिसके साथ खाएंगे और सब खुश हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे हमने लिए साथ में प्याज, उनको हमने ज़रा गोल्डन सा ब्राउन से ज़्यादा कर लेना है, थोड़ा लाल मिर्च थोड़ी डाल लेने, थोड़ा सा जर्दा रंग ऐड कर लीजिएगा ताकि कलरफुल बने और साथ में गोल गोल मिर्चें। बच्चे भी से खेल रहे काइंडली वो इग्नोर कर दीजिएगा। ये निहारी की फाइनल लुक थी और ये थोड़ी सी मैंने क्लिप ऐड किया कि आपको मैं दिखाऊं कितनी यमी और कितनी माउथ वाटरिंग लग रही थी। खैर, आप लोग नान के साथ या जो भी आपको अगर रुमाली रोटी बनानी आती है तो ज़रूर बनाइए, उसके साथ ही बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। और अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।